देखिए अब पट खुल रहे हैं एक एक कर यहाँ पर, और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पहले पट खोलेंगे और उसके बाद फिर रावल परिवार और फिर जो टिहरी के राजा उनके पास भी जिम्मेदारी, उनके परिवार को भी जिम्मेदारी, फिर वो भी पट खोलेंगे। एक एक कर ये पट खुल रहे हैं और उत्साह उतना ज्यादा दीपावली बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा ये पट खुलते जा रहे हैं उतना ज्यादा ललायत लोग होते जा रहे हैं कि कब बद्री विशाल के दर्शन उन्हें हो पाएंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो जबरदस्त देखा जा रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी ठंड के बावजूद दूर के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कल 4 बजे से ही लोग बैठे हुए हैं, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब एकदम नजदीक है क्योंकि कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बस कुछ ही देर बाद यहाँ दर्शन हो सकेंगे, बद्री विशाल के दर्शन अब हो सकेंगे श्रद्धालुओं को अगले 6 महीने के लिए। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, बस कपाट खुलने की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है और ये जैसे ही कपाट खुलेंगे कुछ ही देर बाद फिर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं वो भी फिर दर्शन कर सकेंगे। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी चाक चौबंद इस तरह की गई है कि आसानी से दर्शन हो सके। प्रशासन ने हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर तरह के इंतजाम वहाँ पर किए हैं कि श्रद्धालु जो पहुँचे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से दर्शन करके फिर लौटे। तो जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कपाट खुलने की जो विधि है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है बद्रीनाथ धाम से। और ये देखिए एक तरफ माहौल ऐसा है कि लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं इस बर्फबारी में, और ये वो भक्त हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन को ललायत है। देखिए किस तरीके से नाच गाकर यहाँ पर फिलहाल देखिए तो उन पर नाच गाना फिलहाल चल रहा है और इसी तरीके से अब वो बस इस इंतजार में है कि कब वो भीतर वो भी दाखिल हो पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। ये खुशी है, एक खुशी का इजहार करने का तरीका भी है, ये खूबसूरत सी धुन जिस पर ये लोग इस वक्त नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में भी ये लोग नजर आ रहे हैं, नाक में नथ माथे पर पटका और देखिए किस तरीके से ये लोग जो महिलाएं हैं यहाँ पर वो नाचती गाती नजर आ रही हैं और बद्री विशाल को एक मनाने का जरिया ये कह लीजिए, बद्री विशाल को प्रसन्न करने का भी एक जरिया कह लीजिए। और ये खुशी है किसी अपने से मिलने की, प्रभु के दर्शन करने की, और वही खुशी देखिए यहाँ पर झलक रही है। ये खूबसूरती उत्तराखंड की महिलाएं साफ आपको नजर आएंगी उसी परिवेश में, उसी परिधान में, और हमारे सहयोगी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम शांति देवी। शांति देवी अभी कपाट खुले बद्रीनाथ पट खंड खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं, ये असली फूल है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है, है? आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं हम। पट खुलते के साथ ही माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है, माहौल बिल्कुल बदल चुका है, एक अलग रंगत, एक अलग नजारा जो है वो यहाँ पर बद्रीधाम में आपको नजर आएगा। गाजे बाजे की एक धुन और उस पे महिलाओं के गीत और तालियों की ये थाप, सब एक साथ मिलकर एक अलौकिक नजारा, एक अलौकिक एहसास जो है वो इस वक्त करा रहे। सुरेंद्र, अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक तरफ कपाट खुले तरफ वहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के। हर साल के कपाट खुलने के बाद अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, अलग अलग मेरे साथ है और
फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित। बोलो बद्र नारायण भगवान की। तो बातचीत करेंगे सुरेंद्र से, आवाज बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, देखिए कितना उत्साह है जो लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड से, जो लोग पहुंचे हैं उनकी वेशभूषा देखिए और उसके बाद उनका उत्साह देखिए। वो साफ तौर से ये कह रहे हैं जो बर्फबारी हो रही है, ये बर्फबारी नहीं, ये तो ये प्राकृतिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, बल्कि कपाट खुलते ही गर्मी महसूस हो रही है। ये उत्साह है श्रद्धालुओं का जो देखा जा रहा है। तो आखिरकार अब कपाट खुल चुके हैं और अब यहाँ पर बद्री विशाल के दर्शन हो सकेंगे। अगले 6 महीने पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए हैं और बाहर का जो नजारा है वो भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनमें इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि आप देखिए इतनी बर्फबारी के बीच बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है। ठंड काफी बढ़ चुकी है, लेकिन जो उत्साह है वो पूरे चरण पर है और यहाँ पर लोग जो पहुंचे हैं उनमें गर्मी, उन्हें गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब दर्शन होंगे बद्री विशाल के, दर्शन सीधे तौर पर वो कर सकेंगे। तो हर तरफ कहीं सेना की बैंड की धुन सुनाई दे रही है, कहीं पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। तो जबरदस्त उत्साह इस वक्त श्रद्धालुओं में, कपाट खुल चुके हैं और जो प्रक्रिया होती है पूजा अर्चना की वो अब की जा रही है। बिल्कुल देखिए कपाट खुल चुके हैं और ऐसे में फूल जो है वो आसमान से बरस रहे हैं, जैसे कि अब महिलाएं यहाँ पर कहती भी नजर आ रही थी कि वाकई में ऊपर से फूल बरस रहे हैं, असली फूल यही है। और भगवान के दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए नज़ारा बेहद खूबसूरत है और गर्मजोशी इतनी है भगवान के स्वागत के लिए कि लोगों को गर्माहट महसूस हो रही है, नाच गा रहे हैं और एक अलग एहसास, एक अलग अनुभूति यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल ये बता दें आपको, 6 महीने का एक लंबा इंतजार होता है, उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिलता है और इसीलिए ये जो इंतजार होता है और जब दर्शन होते हैं तो एक अलग चमक जो है वो तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि कहते हैं बद्री विशाल भगवान, विष्णु भगवान जो है वो आपके काम बनाते हैं, आपकी बिगड़ी बनाते हैं। और ऐसे में तमाम भक्तगण दर्शन करने के लिए तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कई मनोकामनाएं लेके भी यहाँ पर बद्री विशाल के दर पर पहुंचे हैं कि एक दर्शन भर से मात्र उनके सारे कष्ट जो है वो बद्री विशाल दूर कर देंगे। अब जब ये कपाट खुल चुके हैं तो ऐसे में बस भक्तों को इंतजार इसी चीज का है कि गाते बजाते नाचते कब उन्हें भगवान के दर्शन जो है वो यहाँ पर हो जाए। और इस पूरे माहौल को और खूबसूरत बना दिया है यहाँ पर जो प्राकृतिक माहौल है उसने, क्योंकि आसमान से फूलों की वर्षा तो जरूर यहाँ पर कराई गई है, लेकिन आसमान से असल में जो फूलों की वर्षा हो रही है उससे लोग काफी खुश हैं। देखिए ढोलों की थाप, ये ढोल दमा की थाप जो है वो भी अब सुनाई देने लगी है, जो कि उत्तराखंड के ही बात है और उन्हीं की अब ये थाप सुनाई देने लगी। और ये बता दें आपको, शुभ कार्य में इनका इस्तेमाल होता है, जब भी कोई शुभ काम होता है तो इनकी थाप आपको सुनाई देगी उत्तराखंड में। और अब बद्री धाम के धाम जब फूट चुके हैं तो यहाँ पर इनकी थाप फिर सुनाई देने लगी है, महिलाओं के गीत और साथ ही साथ एक बैंड का म्यूजिक, जो IDPP का बैंड यहाँ पर मौजूद है, गढ़वाल बैंड का म्यूजिक, और अब ढोल दमाक की थाप भी यहाँ पर सुनाई देने लगी, यानी कि ये संकेत है